हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज का रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों फ्राई मोमोज। दोस्तों शुरू करते हैं बना। फ्राई मोमोज बनाने के लिए हमें यहाँ पर ये सामग्री लगेगी। तो सामग्री में मैंने लिया यहाँ पर दोस्तों ये कटोरी, बड़े साइज का कटोरी है। मैंने भर करके मैदा ले लिया। कप से नापे तो 1.5 कप मैदा होगा दोस्तों। और साथ में मैंने यहाँ पर लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और यहाँ पर मैंने ले लिया रिफाइंड तेल। साथ में गिलास में मैंने पानी ले लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर हम पहले मोमोज के लिए हम आटा तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मैंने एक गमला ले लिया है बॉल। अब इसके अंदर हम मैदे को ट्रांसफर कर देंगे। अब यहाँ पर हम डाल देंगे नमक। नमक डाल रहे हैं यहाँ पर दोस्तों। साथ में यहाँ पर डालेंगे मोइन के लिए रिफाइंड तेल। अब इसको हम अच्छे से हाथ से मिला लेंगे। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं दोस्तों, ये देखिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम एक आटा तैयार कर लेंगे। सख्त, ज़्यादा सॉफ्ट तैयार नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फ्राई मोमोज के लिए मैंने आटा सान करके रेडी कर लिया। और यहाँ पर मैंने एक गिलास पानी लिया था दोस्तों। तो कुल मिला के मेरा आधा गिलास से हल्का कम पानी लगा है दोस्तों। तो ये देखिए, अब हाथ में हल्का सा इस तरह से रिफाइंड तेल लगा लेंगे। और इसको इस तरह से हम एक बार इस तरह से दबाते हुए इसको हम मिला लेंगे। और इसको रेस्ट के लिए हम ढक करके छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जी ले लिया दोस्तों, जो मेरे घर में था सब्जी, मैंने वही सब्जी से आज मैं फ्राई मोमोज बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 2 बड़े साइज का गाजर, इसको कद्दूकस कर लिया है दोस्तों। साथ में एक प्याज बारीक काट ली हूँ। अदरक घिस लिया है, लहसुन भी घिस लिया है। हरी मिर्च यहाँ पर तीखी वाली बारीक काट ली हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने गैस पर तवा रख दिया है गर्म होने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर सरसों का तेल मैं डाल रही हूँ दोस्तों। तो तेल यहाँ पर गर्म हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पर अब हम डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, साथ में यहाँ पर कटा हुआ प्याज। तो प्याज को यहाँ पर हम आधा प्याज को यहाँ पर मेरी बेटी ने कद्दूकस कर दिया था दोस्तों। तो इसको भी मैं यहाँ पर मिला दे रही हूँ। और एक छोटा साइज का प्याज मैंने यहाँ पर बारीक काट ली थी। अब यहाँ पर हम लहसुन डाल देते हैं दोस्तों, जो कद्दूकस करके रखे थे। अदरक, हरी मिर्च, सब्जी को यहाँ पर मैं हल्का थोड़ा सा यहाँ पर भून ले रही हूँ दोस्तों, क्योंकि इसे कच्चा पर निकल जाएगा और अच्छा लगेगा फ्राई मोमोज में खाने में। अब हम इसी के ऊपर से डाल देते हैं ये घिसा हुआ गाजर। अब यहाँ पर हम नमक डाल देते हैं दोस्तों। नमक तो मैंने मैदे में भी डाल रखी, तो यहाँ पर हल्का कम नमक डाल रही हूँ। काली मिर्च पाउडर, साथ में यहाँ से थोड़ा सा मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ दोस्तों। इसको अब मसाला के साथ हम मिला लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं मोमोज के चटनी बनाने के लिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने 2 देसी साइज का टमाटर ले लिया है। इसको धो के बीच में कट लगा लिया है दोस्तों 4 बार। और यहाँ पर मैंने कुछ साबुत लाल मिर्च ले लिया है, तीखी वाली लिया है दोस्तों। ये 2 बड़े साइज का लहसुन के कलियाँ। तो ये सब्जी हमारा यहाँ पर अच्छे से भून गया दोस्तों। टाइम यहाँ पर लगा है 2 से 3 मिनट। अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस पर चढ़ा दिया है दोस्तों पानी डाल करके। अब हम पानी में टमाटर डाल देते हैं दोस्तों। हाई फ्लेम में इसको अब उबलने देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाल लिया है दोस्तों, मोमोज का, मोमोज में भरूंगी जो फिलिंग वो वाला। तब इसको अब ठंडा होने देते हैं, पंखे के नीचे रख देती हूँ। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गया दोस्तों आटा को रेस्ट किए हुए। अब हम मोमोज बनाने के लिए निकाल लेते हैं इसको। तो काफी सॉफ्ट आटा हमारा ये रेडी हो गया था। एक बार इसको हम दोबारा इस तरह से मसल लेंगे आटा को। तो ये मोमोज का चटनी हमारा ये देखिए, टमाटर उबल गया अच्छे से। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोई निकाल लेते हैं दोस्तों। नींबू के आकार में मैं लोई ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 लौकी इस तरह से रख दिया है दोस्तों। अब इसको हम बेल लेते हैं हल्का सा। यहाँ पर बेलन में हम रिफाइंड का तेल लगा देते हैं, क्योंकि बेलने में आसानी रहे। तो यहाँ पर मैंने एक मोमोज के लिए यहाँ पर मैदा को मैंने बेल लिया है दोस्तों, जो मैंने लो लिया था।
अब इसमें फिलिंग भर देते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चम्मच और हल्का और इसमें ये डालूंगी। अब इसको हम फोल्ड कर देते हैं। तो मैंने मोमोस को फोल्ड कर लिया था दोस्तों, और इस तरह से मैं आज मोमोस बना रही हूँ इसको फोल्ड करके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक मोमोस रेडी हो गया। तो बाकी का हम इस तरह से रेडी कर लेते हैं। रेडी, तो ये टमाटर का ठंडा हो गया है दोस्तों, छील लिया छिलका। अब इसको मिक्सी जार में डाल कर पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई में पानी डाल करके इसको गर्म होने के लिए रख दी थी। तो इसमें यहाँ पर मैंने रिफाइंड का तेल लगा दिया है दोस्तों प्लेट में। अब हम इसमें मोमोस रख देते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने कुल मिला करके 6-7 मोमोस तैयार किए हैं। अब इसको डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोमोस की चटनी को पीस करके रेडी कर लिया है दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने मोमोस को रख दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर मैं इसको ढक देती हूँ और इसको तेज में 5 मिनट के लिए तेज को आंच को हाई रखूंगी, यानी तेज, उसके बाद कम कर दूंगी। तो यहाँ पर हम कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी दोस्तों, और कढ़ाई गर्म भी हो गई। तो इसमें तेल डाल देते हैं। तो तेल डाल दिया दोस्तों, तेल गर्म भी हो गया है। तो चटनी डाल देते हैं इसमें। तो अब इसमें नमक डाल देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक चम्मच लगभग कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे दोस्तों, तीखी नहीं है ये, कलर बहुत बढ़िया देगा चटनी में। तो इसको हम मिलाते हुए हम 1-2 मिनट तक इसको तेज आंच में हम बना लेते हैं चटनी को। तो चटनी हमारी यहाँ पर बन करके रेडी हो गया दोस्तों। तो अब मोमोस को मैं चेक कर लेते हैं दोस्तों, 5-6 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मोमोस हमारा रेडी हो गया है, देख पा रहे होंगे फिलिंग दिख रहा है इसके अंदर का। तो निकाल लेते हैं इसको। तो यहाँ पर मैंने मोमोस को निकाल लिए हैं दोस्तों, ये देखिए। और इतना मैंने बाकी का डो जो बचा था मोमोस रेडी कर लिया है। कुल मिला के यहाँ 7 मोमोस और रेडी कर लिया है दोस्तों। तो यहाँ पर इसी तरह से सेम हम बैठा देते हैं इसमें। तो मोमोस को मैंने यहाँ बैठा दिया दोस्तों, और आज को मैंने तेज कर दिया है। तो यहाँ पर ढक देते हैं इसको। तो मोमोस फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई धो करके और तेल डाल दिया है दोस्तों। तो तेल गरम हो गया है दोस्तों। अब मोमोस को हम जो पहला हमने बना करके रेडी किए थे ये वाला फ्राई कर लेती हूँ। तो अब यहाँ पर एक एक करके मोमोस को हम डालते हैं दोस्तों। सारा मोमोस यहाँ पर मैंने डाल दिया है दोस्तों। अब इसको पलट देते हैं। इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों, मोमोस हमारा ये पहला वाला गोल्डन ब्राउन करके इसको मैंने फ्राई कर लिया है, ये देखिए, पलट पलट करके। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं। तो मेरी रेसिपी बन करके रेडी हो गया दोस्तों। तो मेरी ये रेसिपी फ्राई मोमोस की रेसिपी बन करके रेडी हो गया दोस्तों। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। और हाँ दोस्तों, इसका अंदर का फीलिंग देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा मोमोस बना हुआ, साथ में चटनी भी मैंने बनाई है दोस्तों। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।